सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट के अंदर पॉलिटी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट पॉलिटी की तो पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इसमें से हम जितना पढ़े उतना हमारे लिए कम है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि पेपर फर्स्ट के अंदर पॉलिटी के से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि पेपर फर्स्ट के अंदर पूरी की पूरी पॉलिटी नहीं पूछी जाती, उसके अंदर कुछ ही ऐसे टॉपिक है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो वही इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन और टॉपिक है जो बार बार पेपर फर्स्ट में आते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ नोट्स भी दूंगा पॉलिटी से रिलेटेड जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात और हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ दोस्त जैसे कि 2012 से पहले के जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर आता था उन्हें करते हैं, तो दोस्तों वो हमारे लिए करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि 2000 पहले का जो पैटर्न होता था वो बिल्कुल अलग होता था और उसके बाद जब CBSE ने लेना स्टार्ट किया तो उसका पैटर्न बिल्कुल अलग था। और अभी जैसे NTA नेट ने भी कहा है कि जो पैटर्न है एग्ज़ाम का पैटर्न वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसके अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। तो हमें जो ओल्ड पेपर करने हैं वो 2012 से लेकर 2018 तक करने हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन और टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों देखिए मैं बता रहा हूँ इसके अंदर क्या होता है कि पॉलिटी के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो उसकी जो हिस्ट्री होती है पॉलिटी के अंदर, जैसे हमारा संविधान कैसे बना और किस किस तरह की कमेटियाँ नियुक्त की गई थी उस समय, तो वो सभी सारी चीज़ें उसके अंदर करते हैं और जितने भी आर्टिकल वगैरह उनको बिल्कुल रटते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल से रिलेटेड अभी तक 1-2 क्वेश्चन ही आए, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं और क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जैसे कि 41 है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। दोस्तों नागरिकों के जो मूल कर्तव्य होते हैं उसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप मूल कर्तव्य जरूर कर लेना और जो मौलिक अधिकार जो होते हैं उन्हें अच्छे से कर लेना क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हैं और अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आए हैं। और इसमें आप खुद देखना कि आर्टिकल से कितने क्या क्वेश्चन आए हैं और जो हिस्ट्री होती है हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल ना के बराबर उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है जो रिपीट होता है वो है हमारे पास 42 नंबर, भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन अभी तक आए हैं, राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो हमारे लिए करना ज़रूरी है। राष्ट्रपति की जैसे कि नियुक्ति होगी और उसमें महाभियोग हो गया और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ वगैरह होगी, तो ये सभी टॉपिक राष्ट्रपति से रिलेटेड ये हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे हम देखते हैं कि आगे ये देखिए दोस्तों आगे जैसे कि भारत के महान्यायविद जो होंगे उन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इससे भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हैं, तो ये हमारे लिए करना ज़रूरी है। और इसमें से दोस्तों घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछते हैं और जैसे न्यायाधीश होगा इंडिया का न्यायाधीश हो गया, उनसे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। अब ये देखिए दोस्तों ये आ गया जैसे क्वेश्चन नंबर 40, इसके अंदर इन्होंने फिर से राष्ट्रपति से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया। और आगे इन्होंने जैसे कि जो हमारे आपातकाल वगैरह लगते हैं, दोस्तों आपातकाल हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। आपातकाल हो गया ठीक है, वित्तीय आपात, 3 तरह के आपातकाल होते हैं, उन सभी को हमारे लिए करना ज़रूरी है। और आपातकाल से रिलेटेड ये नवंबर 2017 में भी क्वेश्चन आया था, तो तीनों तरह के आपातकाल करना हमारे लिए ज़रूरी है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक से रिपीट होते हैं। अब ये देखिए देखिए दोस्तों वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि भारत के महान न्यायविद जो था उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया, उन्हीं की कैटेगरी में से है, उच्च न्यायालय से ये क्वेश्चन आ गया, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से कर लेना। और एक चीज़ और दोस्तों, जैसे कि हम हर बार आपको कहते हैं
कि जो केवीएस मदान के जो बुक है पेपर फर्स्ट की, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये सभी के सभी टॉपिक उसके अंदर अच्छे से दिए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आगे फिर से इन्होंने उच्च न्यायालय के बारे में एक क्वेश्चन दे दिया दिसंबर 2013 के अंदर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आगे हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ संस्थाएं जो हमारे लिए करना ज़रूरी है, जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, ठीक है, योजना आयोग आयोग हो गया, यूपीएससी का जो संस्थान हो गया, उन सभी को हमारे लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं उनमें से। और आगे देखिए, मैं अभी दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, इनके सभी के सभी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब ये देखिए दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की जो बात करते हैं हम, वो आ गया। और इसके अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन हर बार आता है लगभग, उसके अंदर ये पूछा जाता है कि कोई आयोग दे देंगे, उसमें ये पूछा जाएगा कि संवैधानिक आयोग है या सावधिक आयोग है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या सेचुरेटरी बॉडी है, उसके बारे में ये पूछा जाता है। तो ये हमारे लिए पता होना ज़रूरी है। और दोस्तों, अभी मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, इसके ऊपर मैंने नोट्स बना रखे, वो नोट्स आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है, देखिए जून 2014 के अंदर है, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची के अंदर आती है। दोस्तों, हमारे तीन चार तरह की सूची होती है, जैसे संघीय सूची होगी, राज्य सूची होगी, समवर्ती सूची होगी। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक वगैरह है, वो सभी हमें पता होना चाहिए। ये पॉलिटी के अंदर आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह के क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, एक आते हैं दोस्तों हमारे पास, जैसे कि हम संसद की बात करते हैं, तो संसद के अंदर जैसे राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें होती है, तो उन सभी को हमारे लिए करना ज़रूरी है। ये देखिए, लोकसभा से ये क्वेश्चन आया है, और लोकसभा और राज्यसभा से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, तो इन दोनों को हमारे लिए करना ज़रूरी है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन सभी को हमारे लिए करना ज़रूरी है। और जैसे राष्ट्रपति हो गया, इन सभी को हमारे लिए करना ज़रूरी है, मेन जो चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अगला मौलिक अधिकार से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये मौलिक अधिकार हमारे लिए करना ज़रूरी है। और आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये आ गया संसद से रिलेटेड, जून 2015 के अंदर ये इन्होंने बताया है कि संसद का सत्र कौन आहूत करता है। तो संसद से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है दोस्तों, कि जो मेन डे है हमारे, जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गए, और हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, या फिर पर्यावरण से रिलेटेड जो हो गए, पॉल्यूशन वगैरह, उनसे रिलेटेड जो दिवस है वो हमारे लिए याद करना ज़रूरी है। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। और आगे हम बात करते हैं, जैसे ये उन्होंने फिर से ये पूछ लिया, जो हमने सूची की बात की थी, संघ सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गई, राज्य सूची, इसमें से दूसरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे ये देखिए दोस्तों, ये फिर इन्होंने लोकसभा से क्वेश्चन पूछ लिया है। और आगे फिर इन्होंने राज्य के महाधिवक्ता के बारे में इन्होंने पूछ लिया। और फिर आगे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 60 लोकसभा से एक बार फिर से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन से टॉपिक करना ज़रूरी है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने पेपर फर्स्ट की 2012 से लेकर 2018 तक की सेपरेट टॉपिक वाइज पीडीएफ बना रखी है। जैसे कि आज तक रिसर्च से जो क्वेश्चन आए वो अलग कर रखे हैं, टीचिंग से जो आए वो अलग कर रखे हैं, पॉलिटी से जो क्वेश्चन आए वो अलग कर रखे हैं। उन सभी को आप करके बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और कौन से क्वेश्चन हमारे लिए करना ज़रूरी है। तो वो पीडीएफ लेना चाहो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों, उसकी कुछ सामान्य कॉस्ट भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि आगे किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए। ये देखिए दोस्तों, जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर ये देखिए दोस्तों, इन्होंने मूल अधिकार के बारे में, सॉरी, इन्होंने मौलिक कर्तव्य के बारे में दोबारा से पूछ लिया। तो दोस्तों, ये हमारे लिए जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये हमारे लिए करना ज़रूरी है। अब देखिए, इन्होंने नीचे 58 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में पूछ लिया। और देखिए दोस्तों, जो बात मैं कह रहा था ना, कि इसमें से पूछेंगे कि ये संवैधानिक निकाय है या सावधिक निकाय है या किस तरह का निकाय है, तो ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का निकाय है। और दोस्तों, मैं ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं बता रहा, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी।
और आगे हम देखते हैं दोस्तों जुलाई दो अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें फिर से इन्होंने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन से सावधिक निकाय हैं। देखिए दोस्तों वही बात रिपीट हो रही है बार बार, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो रहा है निकाय के बारे में, सावधिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये देखिए इन्होंने राज्य राज्यसभा से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल वगैरह हो गए और हिस्ट्री जो हो गई, किस तरह से संविधान बना, किन किन ने बनाया, कौन सी समिति यूज़ हुई, वो इन्होंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन उनमें से अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। तो दोस्तों आप देख लें कि किस तरह से हमें याद करना है, क्या हमें टॉपिक करने हैं। अब ये देखिए इन्होंने राज्यपाल से क्वेश्चन पूछ लिया, राज्यपाल से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आए हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह के टॉपिक हमारे लिए करना ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने फिर राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछ लिया। और आगे ये देखिए दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदंत पद ग्रहण, ये देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या करना ज़रूरी है। और आगे देखिए आगे इन्होंने 52 नंबर क्वेश्चन है, इन्होंने फिर राज्यसभा के बारे में पूछ लिया। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। और दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह के नोट्स बना रखे जो आपके अच्छे से काम आ सकते हैं। दोस्तों पॉलिटी के नोट्स लेने के लिए आपको www.nimiji.net पे जाना होगा और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में आपको जैसे कि यहाँ पे दिखाई देगा होम पेज के ऊपर UGC नेट पेपर फर्स्ट स्टडी मटेरियल, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश लगभग दोनों में नोट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ आने के बाद आप एक बार रिफ्रेश ज़रूर कर लेना पेज को, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप ऊपर से नीचे उंगली करके इसे रिफ्रेश कर लेना पेज को। और जब आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो नीचे देखना आपका ये आएगा, ये देखिए दोस्तों गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इसके नोट्स ओपन हो जाएंगे। इसमें हमने काफ़ी तरह के नोट्स डाले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति कार्यालय, योग्यता चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन के बीच अंतर, उपराष्ट्रपति दिया है, फिर महान्यायविद दिया है, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद दिया है, फिर नीति आयोग दिया है, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग दिया है, फिर भारत के मूल अधिकार निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ठीक है, यहाँ पे हमने काफ़ी तरह के नोट्स दिए, तो ये आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं है। और इसके अलावा भी दोस्तों पेपर फर्स्ट से रिलेटेड हमने सभी टॉपिक्स के नोट्स डाले हुए हैं, वो नोट्स भी आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।